नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड जॉब्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड सभी ऑफलाइन या ऑनलाइन फॉर्म्स के रिगार्डिंग आपको पूरी जानकारी देते हैं, साथ में उनका एनालाइज करके कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे अप्लाई करना, पूरी जानकारी हम वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त करवाते हैं। दोस्तों, आपको थंबनेल से भी थोड़ा आइडिया होगा कि वीडियो मैं आज किस संदर्भ में बना रहा हूँ। सभी को पता कि कोरोना वायरस है, जो COVID-19 है, वो बहुत हाईली हो गया, मतलब बहुत बड़े ऊंचे स्तर पर फैल गया है। जगह जगह आपको केसेस मिल रहे हैं, बहुत सी डेथ हो रही हैं। सरकार बार बार अपनी रेगुलेशन और पॉलिसी चेंज कर रही है और अपडेट दे रही है। जिस तरह अभी लॉकडाउन था, वो पिछले महीने लगा था आपका लॉकडाउन, तो वो बढ़ा के आपका पूरा मंथली ये निकल गया, आपका पूरा मंथ का लॉकडाउन हो गया है। तो अब आपके लॉकडाउन के जो बढ़ने के एक और नया नोटिस आया है, जिसमें बताया गया कि आपका लॉकडाउन है वो इंक्रीज होगा, लेकिन उसमें कुछ गाइडलाइन रखी जाएंगी। जिस तरह अब ओड और इवन का, जिस तरह दुकानों का सिस्टम हो गया कि 12 बजे तक, या ओड या इवन आपका सिस्टम हो गया कि एक बार इसकी ये खुलेगी, एक बार इस साइड की दुकान खुलेंगी, मतलब वो ओड इवन का आपका सिस्टम बन गया है कि दुकानदारी का भी, तो उसी तरह और भी बाजार्स हैं जो और भी हैं, आपकी जो फैसिलिटीज़ थी जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, या कोई इमरजेंसी या परचून की दुकान या जो भी था दूध का वगैरह, वो सारी आपकी पहले से भी खुली थी। लेकिन जो बाकी की दुकान है, जिस तरह आपकी सिलाई की हो गई या और कोई कॉस्मेटिक की होगी, मतलब जिस तरह की ये दुकानें थी, ये सभी बंद की हुई थी लॉकडाउन की वजह से। तो अब एक और न्यू नोटिस आया है, जो IAS ऑफिसर हैं भल्ला, जो अजय भल्ला हैं, उन्होंने नोटिस जारी किया, जो सभी सेक्रेटरी को उन्होंने ये एक नोटिस जारी किया है। मैं आपको एक बार ये नोटिस है ये दिखा देता हूँ कि उन्होंने क्या नोटिस जारी किया है। ये आपका नोटिस है अजय भल्ला, IAS नंबर है जो 40/3/2020, डेट आप देख सकते हैं 27 मई 2021। इसमें है डियर चीफ सेक्रेटरी, काइंडली रेफर टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA ऑर्डर ऑफ इवन नंबर इश्यू टूडे वाइड विच MHA ऑर्डर डेटेड 29/04/2021 issued to ensure compliance to the contingent measures of COVID-19 as conveyed by Ministry of Health and Family Welfare letter dated 25/4/2021 has been extended up to 30/June 2021। मतलब जो आपका 25/4 का जो नोटिस जारी किया गया था कि आपका लॉकडाउन है, वो लॉकडाउन लगाया जा रहा है लेकिन कुछ रियायतें मिलेंगी, तो अब सभी को ये उम्मीद हो गई थी कि लॉकडाउन खुल जाएगा बहुत से स्टेट में, फिर लेकिन इंक्रीज कर दिया इंक्रीज पे। तो अभी एक नोटिस हो रहा है कि जो आपका लॉकडाउन है वो 30 जून तक एक्सटेंडेड होगा, मतलब 30 जून तक आपका लॉकडाउन चलेगा, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बंद होगा, आपको रियायतें मिलेंगी, मतलब एक टाइमिंग फिक्स किया जाएगा कि उस तक आप काम कर सकते हैं। इन्होंने साथ में ये बताया गया, द स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंट्स ऑफ कंटेनमेंट अदर मेजर हैज लेड टू बी डिक्लाइन ट्रेंड इन द नंबर ऑफ न्यू एंड एक्टिव केसेस अक्रॉस स्टेट एंड यूटीज बैरिंग सम एरियाज इन सदर्न एंड, कि बहुत से स्ट्रिक्ट जो कदम उठाए गए उनको भी फिर भी दरकिनार करके जो केसेस हैं वो साउथ और नॉर्थ ईस्ट रीजन में हैं वो बढ़े हुए हैं, और जो यूनियन टेरिटरीज में हैं। थर्ड पॉइंट में बताया, आई वुड लाइक टू हाईलाइट दैट इन स्पाइट ऑफ द डिक्लाइन ट्रेंड द नंबर ऑफ एक्टिव केसेज प्रेजेंटली स्टिल वेरी हाई, कि मतलब उन्होंने ध्यान दिलाने के लिए बताया कि जो केसेज हैं वो अब भी बहुत ज़्यादा हैं, केसेज आपके कम नहीं हुए हैं, जो स्टेट यूटी हैं वहाँ पर आपके जो केसेज हैं वो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, कम तो कम भी हो रहे हैं लेकिन इतने भी कम नहीं हो रहे हैं कि आपका कम्प्लीटली जो गाइडलाइन है वो पूरी तरह से ख़त्म कर दी जाए। तो इसका यही मतलब है कि आपका जो लॉकडाउन है वो 30 जून 2021 तक चल सकता है, लेकिन उसमें आपकी रियायतें मिलेंगी। जो 25/4/2021 का नोटिस आया था कि लॉकडाउन लगाया जा रहा है, आप देख सकते हैं नीचे अजय भल्ला जो 27/5/2021 इनके साइन है, और चीफ सेक्रेटरीज ऑफ ऑल स्टेट्स, मतलब जितने भी राज्य सरकार के चीफ सेक्रेटरी हैं सभी के लिए आदेश जारी किया गया है कि वो अपने अपने राज्य में गाइडलाइन लाएं, नई गाइडलाइन जारी करें कि कैसे आपको क्या क्या किन किन कंडीशन में आपको रियायतें देनी है और लॉकडाउन का आपको कैसे पालन करवाना है। तो जो ये जानकारी थी मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सैनिटाइजर यूज कीजिए, मास्क पहनिए और 2 गज की दूरी जरूर बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।